चलिए भाई, तो हम लोग लास्ट टाइम पे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो सिंक्रोनाइज मेथड और सिंक्रोनाइज ब्लॉक, ये दोनों के दोनों तरीके जो है, और स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, ये तीन तरीके जो होते हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन में हमें सिंक्रोनाइजेशन तो अचीव करवाते हैं, लेकिन वो भी कौन से तरीके से, हम उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। याद आ रहा आपको, मैंने आप लोगों को सिंक्रोनाइजेशन के टाइप बताए थे। सिंक्रोनाइजेशन दो तरह से मतलब होता है, प्रोसेस और थ्रेड। तो हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में दो तरह से सिंक्रोनाइजेशन होता है, एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और एक होता है कोऑपरेटिव। तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए आप सिंक्रोनाइज मेथड या सिंक्रोनाइज ब्लॉक या स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, ये तीन तरीके होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन से सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के। और जो हमारा स्टैटिक सिंक्रोनाइज, सॉरी, जो हमारा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होता है या कोऑपरेशन होता है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन जब आप अचीव करते हो, तो वहां पे आपके पास वेट नाम का मेथड होता है, नोटिफाई नाम का मेथड होता है, नोटिफाई ऑल नाम का मेथड होता है, उससे सिंक्रोनाइजेशन होता है, राइट। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के मतलब अलग अलग कैटेगरीज थे। तो जब हम सिंक्रोनाइज मेथड से सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है? सिंक्रोनाइज मेथड से जब सिंक्रोनाइजेशन करते हो, तो क्या दिक्कतें आ जाती हैं? सब कुछ तो सही चलता है, और सिंक्रोनाइजेशन का पूरा जो कंसेप्ट होता है वो किस पे डिपेंड होता है? राहुल मदनवाल बताएंगे कि सिंक्रोनाइजेशन का पूरा कंसेप्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे वर्क करता है। सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट किस चीज पे वर्क करता है? किसी भी थ्रेड को इंटर करने के बाद सीक्वेंस से रन करना। अरे यार, मैं पूछ रहा हूँ सिंक्रोनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, कैसे सिंक्रोनाइजेशन काम करता है? लॉक भी सर, लॉक पे। हाँ, ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहता, लॉकिंग का कंसेप्ट यूज करता है। लॉक कितने तरह से लिया जा सकता है? दो तरह से लॉकिंग लिया जा सकता है किसी भी थ्रेड पे, ठीक है। एक होता है इम्प्लिसिट लॉकिंग और एक होता है एक्सप्लिसिट लॉकिंग। तो जो इम्प्लिसिट लॉकिंग होती है वो कहाँ कहाँ होती है? वो दो जगह होती है, दो नहीं तीन जगह होती है, नहीं, दो ही जगह होती है, सॉरी। एक होती है ऑब्जेक्ट पे, क्लास और और हाँ, ऑब्जेक्ट पे और क्लास पे। हर क्लास के साथ लॉक होता है और हर ऑब्जेक्ट के साथ लॉक होता है। और लॉक क्या होता है? इम्प्लिसिट मॉनिटर, जिसको हम म्यूटेक्स भी बोल सकते हैं, मॉनिटर, एक मॉनिटरिंग वेरिएबल, ठीक है। तो जब कोई भी मेथड सिंक्रोनाइज्ड होती है और नॉन स्टैटिक होती है, तो लॉक की चेकिंग कहाँ होती है? हाँ जी, लॉक की चेकिंग कहाँ होती है परवेज, सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक के केस में? सर लॉक का चेकिंग स्टैटिक है सर, ऑब्जेक्ट पे होता है, स्टैटिक है सर, सिंक्रोनाइज्ड, ऑब्जेक्ट पे होता है, क्लास होता पूरा बात सुना सिंक्रोनाइजेशन करो, चेक पूरी बात करता सुना करो, पूरी बात सुना करो। अगर आपको बात नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया करो, अपने मन से कुछ भी आंसर नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये कला आप मेरे वजह से मत सीखो, ये कला इंटरव्यू में भी आपको दिखाना होता है। इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ पूछा, आप कुछ बता रहे हो, ठीक है, और फिर वो फेल कर देगा आपको, तो बेटर ये है कि कंफर्म कर लो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक कोई थ्रेड है, वो सिंक्रोनाइज्ड और नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रही है, तो लॉक की चेकिंग कहाँ होती है? तो उस केस में लॉक की चेकिंग करंट क्लास के ऑब्जेक्ट पे होती है। सर। एक बार आपकी आवाज फंस जा रही है, कट के आ रही है। रुक गया सर। हाँ बिल्कुल तो देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि
कि अगर हमारे पास कोई भी सिंक्रोनाइज्ड और नॉन स्टैटिक मेथड होता है तो जो लॉक की चेकिंग होती है वो करंट ऑब्जेक्ट पे होती है, राइट, है ना। लेकिन अगर कोई सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक मेथड है और उसको आप कॉल कर रहे हो, उस पे सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर रहे हो, तो उस केस में एक समस्या आ जाती है। और उस समस्या क्या आती है कौन मुझे बताएगा, क्या समस्या आती है, यानी कि समस्या ये आती है सर कि मतलब आप अपने इच्छा से मतलब कौन सा थ्रेड चलाएंगे वो आता है सर। ना 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 मेरा आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हो। मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना वो दो टाइप का होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में तीन तरीके होते हैं, सिंक्रोनाइज मेथड से सिंक्रोनाइजेशन, स्टैटिक ब्लॉक से सिंक्रोनाइजेशन, और जिसको हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक बोलते हैं, सॉरी, और एक स्टैटिक मेथड बना के सिंक्रोनाइजेशन, है ना। तो जब सिंक्रोनाइज नॉन स्टैटिक मेथड होता है और उसको सिंक्रोनाइज ब्लॉक के सिंक्रोनाइजेशन करते हो तो उसमें क्या समस्या आती है। सर आपको हर एक कंस्ट्रक्टर का अंदर में सर उसी को ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ता है सर। ना 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 वो तो पास करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो नॉन स्टैटिक मेथड है वो तो ऑब्जेक्ट से चलेगा ही चलेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। वो एक ही ऑब्जेक्ट, अगर चार थ्रेड हैं, पांच थ्रेड हैं, जितने मर्जी उतने थ्रेड हैं, ऑब्जेक्ट तो पास करना ही पड़ेगा, वो समस्या नहीं है। सिंक्रोनाइज मेथड से सिंक्रोनाइजेशन जब करते हो तो समस्या ये आ जाती है कि आप, हैं, क्या आती है। पूरा कोड रन चलता है सर, मतलब जितने भी रहेंगे हमारे मेथड के अंदर सब सीरियल से चलेंगे। मान लीजिए हमें कम ही यूज करना हो, यानी दो चार लाइन। ना 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 हाँ वो तो सर बात आप सही कह रहे हैं, मेथड आप वो सही लेवल कह पे उसको होती है लॉकिंग, मेथड मेथड लॉक हो लेवल जाता पे, है। मेथड लेवल पे लॉकिंग होती है वो। मेथड लेवल पे लॉकिंग कभी नहीं होती, ऑब्जेक्ट की लॉकिंग होती है। देखो सिंक्रोनाइज मेथड से सिंक्रोनाइजेशन करते हो तो पूरा का पूरा मेथड सिंक्रोनाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी किसी पोर्शन ऑफ मेथड को सिंक्रोनाइज करना है तो इसके लिए हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, सिंक्रोनाइज ब्लॉक हमने लगाया, पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग करी, और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, कोई भी लॉक, यानी कि मान लो ऑब्जेक्ट का लॉक दे दिया, किसी का भी लॉक दे दिया, और उसके अंदर सारा कोड हमने लिख दिया, है ना। अब हम इसको चलाएंगे तो ये सिंक्रोनाइज मेथड की तरह, यानी कि आप एक वर्ड ये भी यूज कर सकते हो कि अगर किसी मेथड के अंदर लिखे जाने वाले सारे कोड को सिंक्रोनाइज ब्लॉक में डाल दिया जाए तो ये सिंक्रोनाइज मेथड की तरह ही काम करेगा, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक होता है। और हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है, हमारे साथ दिक्कत ये आ रही है कि भाई हम अगर सिंक्रोनाइज मेथड के ऊपर नीचे, अरे ब्लॉक के ऊपर नीचे कोई कोड लिख रहे हैं तो वो जो है बीच में इसके अंदर आ जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, क्यों आ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन लेकिन अभी बात यह है कि जब हम सिंक्रोनाइज, चलो दो चीज समझ में आ गया, सिंक्रोनाइज मेथड और सिंक्रोनाइज ब्लॉक, ब्लॉक का यही कंसेप्ट है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, अब मैं आपसे ये बता रहा था कि जब सिंक्रोनाइज मेथड हो या सिंक्रोनाइज ब्लॉक हो, उसमें जब सिंक्रोनाइजेशन होता है, अच्छा, ब्लॉक में एक और चीज होती है, कोई जरूरी नहीं है दिस ही पास करोगे, आप यहां पे क्लास का भी लॉक पास कर सकते हो, दिस मतलब ऑब्जेक्ट का लॉक, क्लास का लॉक भी दे सकते हो, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर कोई सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक मेथड है, सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक मेथड है, उसको मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट में चला रहे हो तो उसमें भी एक समस्या आ सकती है। क्या समस्या आ सकती है, वो समस्या ये आ सकती है कि अगर दो थ्रेड सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, बाकी दो थ्रेड सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब मान लो कि इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए, है ना, और दो ऑब्जेक्ट्स को दो थ्रेड को दे दिए गए, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दो थ्रेड को दे दिए गए और फिर एक ऑब्जेक्ट को दो थ्रेड को दे दिए गए। याद आ रहा है कहानी जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो इससे होगा क्या कि मान लो एक T1 थ्रेड है, एक T2 थ्रेड है, वो इसके एक ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहा है,
और एक है T3 थ्रेड और एक T4 थ्रेड है, वो इसकी एक ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है। तो T1 T2 में इंटरफेरेंस नहीं होगा क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं। T3 T4 में इंटरफेरेंस नहीं होगा क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। लेकिन T1 और T3 या T2 और T3 या T2 और T4 में इंटरफेरेंस हो सकता है, ये प्रॉब्लम मैं आपसे पूछ रहा था। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? याद आ रहा है? पढ़ाया था आप लोग? नहीं याद आ रहा है? बाई कंसेप्ट सर, अरे यार, इस कंसेप्ट से बचने के लिए, इस कंसेप्ट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं। हम मेथड को स्टैटिक बना लेते हैं और उसको ऑब्जेक्ट से न चला के क्लास के नेम से कॉल कर लेते हैं सब जगह। इसीलिए तो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो आपको ये सारा चीज याद रखना है, भूलना नहीं है, एक एक पॉइंट, ठीक है? इस चीज को मैं यहां पे एक बार लिख दे रहा हूं। क्या? सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन दो तरह से होती है। एक होता है भैया हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा होता है ITC, मतलब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, या इसको बोलते हैं कोऑपरेशन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमारे पास जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, एक तरीका होता है सिंक्रोनाइज्ड नॉन स्टैटिक मेथड से, ठीक है? या सिंक्रोनाइज्ड स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, या सिंक्रोनाइज मेथड भी बोल सकते हो। सिंक्रोनाइज मेथड बोलो या नॉन स्टैटिक मेथड बोलो, बात एक ही है। दूसरा होता है सिंक्रोनाइज्ड स्टैटिक मेथड से, नॉन वर्ड हटा दो बस। और तीसरा हो जाता है हमारा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के थ्रू, ठीक? और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में क्या होता है भैया? एक होता है वेट के थ्रू, एक होती है नोटिफाई के थ्रू, नोटिफाई, और एक होता है नोटिफाई ऑल के थ्रू। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जरा कि जो लॉकिंग होती है या म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है सिंक्रोनाइज नॉन स्टैटिक मेथड पे जब होता है, तो जो लॉक की चेकिंग होती है वो किस पे होती है? ऑब्जेक्ट पे। अच्छा, यहां पे मैं लिख देता हूं कि लॉकिंग का भी कंसेप्ट। लॉकिंग जो होती है, लॉक का जो कंसेप्ट होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो लॉकिंग होती है, ये चेक करा जाता है कि मेथड है कैसा। इफ, यहां पे कंडीशन लिख दो कि भैया इफ मेथड इज सिंक्रोनाइज्ड एंड नॉन स्टैटिक। मेथड क्या है? सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक है। मेथड सिंक्रोनाइज नॉन स्टैटिक, देन लॉक इज चेक्ड ऑन करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है? अच्छा, केस सेकेंड बी, इफ मेथड इज सिंक्रोनाइज एंड स्टैटिक सो लॉक इज चेक्ड ऑन करंट क्लास, या ओनली क्लास लिख दो, ठीक है? तीसरा केस, इफ मेथड हैव सिंक्रोनाइज ब्लॉक, BLOCK, देन लॉक इज चेक्ड ऑन क्लास या ऑब्जेक्ट, दोनों पे हो सकता है, ठीक है? ठीक है, तो जब सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक मेथड से सिंक्रोनाइजेशन करते हो तो उसमें समस्या किस बात की आ जाती है? उसमें समस्या ये आ जाती है
कि पूरा का पूरा मेथड सिंक्रोनाइज्ड है। चलो ये समझ में आता है, ठीक है। उसके पोर्शन ऑफ मेथड को सिंक्रोनाइज करना है तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज कर लो, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनाइज नॉन स्टैटिक मेथड से जब सिंक्रोनाइजेशन करते हो तो उसमें समस्या इस बात की आ जाती है कि मान लीजिए कि हमारे पास टोटल टोटल चार ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एक मान लो टेबल क्लास है, ठीक है। तो हमने टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया T1, दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, टेबल का ऑब्जेक्ट T1 न लेके OBJ1 ले लिया, OBJ1, और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया OBJ2। तो मैंने एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए, तो लॉक कितना तैयार हुआ, दो। और ये जो दो एक ऑब्जेक्ट है इसको मान लो दो थ्रेड यूज कर रही है, T1 और T2, और ये OBJ2 है इसको दो थ्रेड यूज कर रही है, T3 एंड T4। कहो तो फिर से प्रोग्राम बना के दिखाऊं, बनाया था आपको याद होना चाहिए। तो फिर मैंने बताया था कि इन दोनों थ्रेड में कभी इंटरफेरेंस नहीं होगा क्योंकि एक ही लॉक को यूज कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, इनमें कभी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये एक ही ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। लेकिन T1 और T3 में इंटरफेरेंस हो सकता है, T1 और T2 में हो सकता है, T4 और T2 में हो सकता है, T4 और T1 में हो सकता है, समझे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं क्योंकि यहां पे अब हम ऑब्जेक्ट से मेथड्स को कॉल ही नहीं करने वाले हैं, हम क्लास के नेम से कॉल कर देंगे और मेथड को स्टैटिक बना देंगे, तो लॉक की चेकिंग क्लास पे होगी, ऑब्जेक्ट होगी ही नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंक्रोनाइज मेथड से जब सिंक्रोनाइजेशन होता ही था तो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन की क्या जरूरत पड़ी, तो ये वाला सिचुएशन आप बताएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपसे कोई पूछे सिंक्रोनाइज मेथड और सिंक्रोनाइज ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे सिंक्रोनाइज मेथड से पूरा मेथड सिंक्रोनाइज होता है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक से पोर्शन ऑफ मेथड सिंक्रोनाइज होता है। क्लियर? बोलो भाई, हाँ सर, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, वही ठीक है सर। फिर एक बार मैं फिर से बोलूँ, क्या कह रहे हो? सर T1 और T3 में इंटरफेयर हो सकता है, T1 और T4 में हो सकता है ना, हाँ वो हो और सकता टी है। टू और टी थ्री और टी टू और टी फोर अरे यार, इंटरफेरेंस वहां हो सकता है जहां अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। तुम एक काम करो ना, एक सिंक्रोनाइज नॉन स्टैटिक मेथड बनाओ और उसको चलाओ। चला के दिखाया था, भूल गया क्या ये? मैं फिर से बनाऊं, बताओ तुम लोग, नहीं समझ आ रहा है? ठीक है सर। नहीं सर, हो जाएगा सर, मेरे में पड़ा होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम तो मेरे पे भी पड़ा है बट समझ में आना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन तो टॉपिक है, इतना इजीली समझ में नहीं आता है, इसलिए समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो तुम एक काम करना, एक क्लास वही टेबल वाली बनाना और उसको तीन चार थ्रेड से चलाना और ऑब्जेक्ट एक ही होगा और चारों थ्रेड में पास कर देना, तो चारों एकदम मस्त चलेंगे सिंक्रोनाइज मैनर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दो बना लोगे, एक OBJ1 और एक OBJ2, और दो थ्रेड को सेम ऑब्जेक्ट दे दोगे और बाकी दो थ्रेड को सेम ऑब्जेक्ट दे दोगे, तब समस्या आएगी, तब इंटरफेरेंस की समस्या आएगी T1 और T3 और T2 T4 में, है ना। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन करते हैं मेथड को स्टैटिक बना के। क्लियर? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, जब मैंने आपको कुछ काम दिया था और कहा था करिएगा आप, जैसे अब ये आपके सिचुएशंस कुछ इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो कि एक क्लास में दो दो मेथड सिंक्रोनाइज बना दिए जाएं,
और दो थ्रेड उसे चलाएंगे तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशंस। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये एक क्लास है ना, और इस क्लास के अंदर मेथड एक बना दिया मैंने वाइड शो नाम से, ठीक है, शो नाम से मेथड बनाया, इसको भी सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है, एक दूसरा मेथड बनाया इसको भी सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है, एक क्लास में दो दो मेथड सिंक्रोनाइज हैं, ठीक, इसका नाम मान लो डिस्प्ले है या शो है, डिस्प्ले है जो भी है, ठीक है। अब इन दोनों को मान लो मल्टीपल थ्रेड्स मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में चला रहे हैं, ठीक है, पहली थ्रेड T1 है उसने शो को चला दिया, दूसरी थ्रेड T2 है उसने डिस्प्ले को चला दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं चलाने दो। अब एक क्लास में दो मेथड सिंक्रोनाइज है तो दोनों सिंक्रोनाइज मैनर में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समस्या क्या होगी, समस्या इस बात की होगी, एक ही ऑब्जेक्ट है मान लो हमारे पास, अब जैसे बना ही लेते हैं हम इस प्रोग्राम को, हम बना ही लेते हैं, कैसे बनाएंगे, हमारे पास प्रोग्राम तो वही है सिंक्रोनाइज डेमो, और ये हमारे पास टेबल क्लास था, प्रिंट टेबल मेथड था, सारी कहानी थी, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं सिंक्रोनाइज डेमो 2, ठीक है, तो डेमो 2 नाम से हमारी क्लास बन गई, ठीक। इस क्लास का नाम टेबल न रख के शेयर शेयर्ड रख दिया हमने, शेयर्ड क्लास ऑलरेडी पड़ा हुआ कहीं पे, चलो इसका नाम, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, टेबल 1 रख देते हैं टेबल की जगह पे, अब लो, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रिंट टेबल मेथड है जो प्रिंट टेबल को प्रिंट कराने का काम करता है, तो वो सिंक्रोनाइज्ड है, तो इसी के अंदर एक दूसरा भी मेथड हो सकता है ना जो किसी और काम के लिए बनाया गया है, और वो काम मान लो कि प्रिंट टेबल नहीं है, वो काम है प्रिंट टेबल, और इसका काम क्या क्या रख दूं बताओ, शो रख देता हूं, कुछ भी रख दो मर्जी आपकी, शो नाम रख देता हूं। अब इसमें बस इनपुट देंगे, कोई भी थ्रेड इनपुट देगा, और जो भी इनपुट वैल्यूज हैं उन इनपुट वैल्यूज पे मल्टीप्लिकेशन न करके एडिशन कर दिया मैंने, मान लो कि जो भी नंबर आए उसमें ऐड हो जाए, मतलब 1 से लेके 10 तक का नंबर, ये मेथड लूप, ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक का ये भी लूप चलेगा, ठीक है, थोड़ी देर के थ्रेड स्लीप होगी, जो भी इसके अंदर नंबर आएगा उस नंबर में वैल्यू जुड़ती चली जाएगी, ठीक है, तो इसमें मैं प्लस करके ऐसे प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है भाई, इंसर्ट टू कंप्लीट द बॉडी मेथड, ये कंप्लीट होगा, अब कंप्लीट हो गया, तो एक क्लास में दो सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, ठीक है। अब मेरे पास थ्रेड है मान लो 2 है, तो अब यहां पे भी एरर आ गया ये, क्योंकि इस नाम से थ्रेड बनी हुई है, बहुत जगह रीनेम करना पड़ जाएगा, चलो कर देते हैं, हटा ही लेते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है, बन जाएगा अभी, ये हटा लेते हैं, सारे जगह हटा लेते हैं, ठीक, ये हटा लेते हैं, ठीक है। अब
अब ये टेबल वन क्लास के अंदर ये दो मेथड्स हैं और दोनों सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक मेथड बना लेते हैं, नॉन स्टैटिक बना लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब एक थ्रेड बनाएंगे क्लास थ्रेड टेस्ट वन, इंप्लीमेंट्स कर लेंगे रनेबल से या एक्सटेंड कर लेंगे थ्रेड से, आपकी इच्छा है, एक्सटेंड कर लीजिए थ्रेड से, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आवाज आ रही ना आप लोगों? हेलो। हाँ सर। तो मान लीजिए सिंक्रोनाइज नॉन स्टैटिक मेथड है ना, दोनों सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक मेथड है। तो कोई थ्रेड है, उसने अपना रन मेथड बनाया पब्लिक वाइड रन, तो और रन के अंदर से अब कॉल करेगा किसको, इस टेबल क्लास के मेथड को। अब एक क्लास के दो दो मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं, देखिएगा आप ध्यान से। और हमने क्या कर दिया, इसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। और अब मैं क्या करने वाला हूं, टेबल क्लास का जो रेफरेंस है वो यहां पे बना देता हूं, टेबल वन टी वन, ठीक है। टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, सॉरी थ्रेड क्लास का, तभी तो थ्रेड चलेगा। बना दिया, इसके कंसेप्टर में ये वैल्यू पास कर दी, फिर इसका मैचिंग कंसेप्टर बना दिया, और फिर दिस डॉट ये गलत, इसमें पैरामीटर चला गया ना, इसमें पैरामीटर टेबल टाइप का होना चाहिए, ठीक है। ये गलती से ये टी लिख दिया मैंने ना, टी वन लिखना चाहिए था, और टेबल के ऑब्जेक्ट को बल्कि ओबीजे लिख दीजिए तब और सही रहेगा, ओबीजे ओबीजे, ठीक है। तो यहां से आपने टी डॉट दिस डॉट टी वन इक्वल टू टी वन दे दिया, और यहां से आपने टी वन डॉट प्रिंट टेबल को चला दिया, यानी कि पहले थ्रेड ने टेबल प्रिंट करने का कोड लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला थ्रेड टेबल प्रिंट कराना चाहता है। फिर इसी तरह से हमने दूसरा भी एक थ्रेड बना दिया, ठीक है, और इसका नाम मैंने बस यहां पे टू लिख देना है, ठीक है, टू लिख देना है। अब दूसरा थ्रेड जो है प्रिंट टेबल नहीं चला रहा है, वो शो मेथड को चला रहा है, और जिसमें से उसने इनपुट दे दिया कि नंबर जोड़ के आए, मान लो नंबर दे दिया नाइन इसने, और दूसरी थ्रेड जो है ना उसका ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, वो पीछे ही शेयर कर दिया, टी वन डॉट स्टार्ट सेट कर दिया, और फिर हमने टी टू डॉट स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओ क्या होगा कहानी, एक क्लास के अंदर दो मेथड सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक, दोनों सिंक्रोनाइज नॉन स्टैटिक हैं, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट पे चलेंगे, ऑब्जेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट का लॉक यूज करेंगे, और मैंने यहां पे जो है एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों थ्रेड में शेयर करा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कैसे काम करेंगे ये, क्या इनका नेचर? हाँ बताइए सर। वो इसमें कोई वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा, जो मेथड चलेगा वो तो पूरा चलेगा ही, जरूरी नहीं उसके बाद उसी क्लास का दूसरा मेथड चले,
उसका कोई मैनर नहीं होगा, कोई भी चल सकता है। जो चलेगा पहली बार मेथड वो तो चलेगा, दो मेथड है सिंक्रोनाइज, उसमें से अगर ये वाला चल गया प्रिंट टेबल तो ये तो पूरा चलेगा, जरूरी नहीं उसके बाद सो ही चले, उसके बाद फिर से हो सकता है प्रिंट टेबल चल जाए दूसरी थ्रेड का, हो सकता है सो चल जाए। दोनों कैसे हो सकता है? सुनो, पहली टेबल ने प्रिंट टेबल चलाया है, पहली थ्रेड ने प्रिंट टेबल चलाया है, दूसरी थ्रेड ने शो चलाया है, तो जाहिर सी बात है एक बार शो चलेगा एक बार प्रिंट टेबल चलेगा। अच्छा आपने अलग इसमें शो चलाया, मैंने सोचा दोनों को चला दिया दोनों में, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एक थ्रेड दूसरे को इंटरफेयर करेगा यहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए ये क्या आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके यहाँ टी वन डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया भाई, टेबल वन ही क्लास है ना ऊपर। सर यहाँ गलती की है आपने सर, पर यह पर नीचे 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 दिस दिस डॉट टी होगा सर, टी वन इक्वल टी होगा। बिल्कुल सही बात है, दिस डॉट टी होगा, टी वन नहीं सर ऊपर भी होगा। ओके मैंने यहाँ टी वन बना दिया, वहां टी बना दिया, ये गड़बड़ करे, सब जगह टी लिख देते हैं, यहाँ टी डॉट। ठीक है तो अब ये देखिए टू का टेबल चल रहा है ना, यानी कि टेबल वाला जो है थ्रेड पहले चला, उसने पूरा टेबल प्रिंट कर दिया। अब ये ऐड वाला चल रहा है, देख रहे हो ऐड कर रहा है, जो 10 तक वैल्यू ऐड करेगा। यार सिंपल सा मतलब है, दो थ्रेड्स हैं, मतलब दो थ्रेड हैं और दो थ्रेड जो है एक ही क्लास के सिंक्रोनाइज मेथड को चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दो थ्रेड आपको लग रहा है कि दोनों सिंक्रोनाइज है तो एक साथ दोनों चल जाएंगे, एक साथ दोनों नहीं चलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है ना। हाँ अगर ऑब्जेक्ट बदल दिया जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है, दोनों थ्रेड अपने अपने तरीके से चलने लगेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट दोनों थ्रेड में डाल दिया, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट दोनों थ्रेड में डाल दिया तो अलग अलग लॉक आ गया दोनों के पास, देख रहे हो। नाइन चला फिर टू चला फिर टू चला फिर नाइन चला, फिर इंटरफेरेंस हो गया यार, इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है ये इंटरफेरेंस, देखो इसको इंटरफेरेंस नहीं बोलना चाहिए, पता है। चलो इस चीज को समझा रहा हूं तो एक चीज और आपको बताता हूं, वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक वाला चीज भी हमें समझ में आ जाएगा। जो प्रॉब्लम होती है जैसे सिंक्रोनाइजेशन तो हम भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ते हो, कहीं और भी पढ़ोगे, बुक में भी पढ़ोगे, लोग बताते हैं, आपको पता है कि ये सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं ये कब आते हैं, मतलब जब डेटा दो काम होता है, एक होता है रीड ऑपरेशन एक होता है राइट ऑपरेशन। जैसे मान लो दो थ्रेड हैं, वो किसी कॉमन रिसोर्स पर डेटा राइट करने जाते हैं या रीड करने जाते हैं, तो अगर दो थ्रेड हैं और एक ही जगह से डेटा रीड कर रहे हैं तो रीड के केस में प्रॉब्लम नहीं आती है और रीड के केस में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे याद है मैंने आपको एग्जांपल बताया था, IRCTC की वेबसाइट है, आपको चेक करना है यहाँ से वैष्णो देवी के लिए कौन कौन सी ट्रेनें हैं, आपने डाला डिटेल आ गई, अब देख लो बढ़िया से इतनी सीट खाली है, इतना बुक है, ARAC है वगैरह वगैरह। ये चीज आप भी दे सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, दुनिया का कोई भी आदमी देख सकता है और एक ही टाइम पे देख सकता है, हजारों लाखों लोग एक साथ देख सकते हैं, हजारों लाखों थ्रेड्स एक साथ एक रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो डेटा रीड कर रहे होते हैं। जो प्रॉब्लम आती है ना वो डेटा राइटिंग में आती है, जब दो थ्रेड एक ही रिसोर्स को शेयर करके डेटा राइट कर रहे होते हैं, मतलब कोई काउंटर वगैरह ले लो उसके थ्रू इसे समझो,
कि भाई एक थ्रेड है उसने उसकी काउंटर की वैल्यू को अपग्रेड कर दिया या राइट कर रहा था तो बीच बीच में दूसरा थ्रेड आके उसमें कुछ और न कर जाए, समझ रहे हो, वो चीज होती है। तो सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी व्हेन मल्टीपल थ्रेड राइटिंग सम डेटा ऑन द कॉमन रिसोर्स, किसी कॉमन रिसोर्स या किसी शेयर्ड रिसोर्स पे मल्टीपल थ्रेड एक साथ डेटा राइट कर रहे होते हैं तब होती है। डेटा रीड करने में प्रॉब्लम नहीं आती है और राइट करने में प्रॉब्लम आती है। समझ आया नहीं आया, बोलो। हाँ सर, हाँ तो वो चीज है। तो इसके लिए आप ऐसा कुछ एग्जांपल लो जिसमें आप कोई ऐसे एक वेरिएबल लो है ना, और उसमें कोई काउंटर वेरिएबल लो और काउंटर को प्लस प्लस करो, पहली थ्रेड आएगी उसने उसकी वैल्यू को कुछ इंक्रीज करके रख दिया, तो दूसरी थ्रेड आएगी क्या उसको इंक्रीज वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज चेक करके देखो सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से। अब इस केस में ऐसा क्या हो रहा है, इस केस में इंटरफेरेंस तो हो रहा है आपको लग रहा है कि यार, लेकिन अगर देखा जाए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये चीज तो सही चल रही है ना एक तरह से। 2 के टेबल अगर देखोगे तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, 20 तक जो टेबल चल रहा है वो सही चल रहा है, बीच में हाँ बीच बीच में ये चीज आ रही है लेकिन वो अपने ही जगह पे काम कर रही है, दोनों अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने सिंक्रोनाइज्ड सेक्शन में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं तो वो सिंक्रोनाइज्ड एरिया में काम कर रहे हैं अपना, ये भी मेथड सिंक्रोनाइज्ड है और ये भी मेथड सिंक्रोनाइज्ड है, तो इसको इसको अपना लॉक चाहिए, मान लो कि एक ही का इसको अपना लॉक मिला है, ये अपने लॉक पे मस्ती में काम कर रहा है, ये अपने लॉक में काम कर रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उस तरह से आपको लगेगा कि यार यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उस टाइप का एग्जाम्पल एक जरूर आप बनाओ कि मल्टीपल थ्रेड एक ही जगह राइट कर रहे हों तो वो कैसा चल रहा है, किस तरह से दिख रहा है, वट एवर। अच्छा एक चीज सर, एक बात सर, हाँ सर, दो थ्रेड एक ही बार राइट करेगा तो राइट हो ही नहीं सकता सर, बंदे एक बार एक को पेंडिंग में रख देगा ना। तो वही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब सिंक्रोनाइज बनाओगे तो वो चीज करके देखो ना कि एक को पेंडिंग में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब सिचुएशन चेक करना पड़ेगा ना आपको, यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, एक को पेंडिंग में तो रख ही देगा। अब यहीं पे एक सिचुएशन आ जाता है, चलो एक ही ऑब्जेक्ट को अगर ये यूज करेगा तो सब कुछ सही चल रहा है, दो थ्रेड्स हैं सिंक्रोनाइज मैनर में चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक को सिंक्रोनाइज बना दिया जो दूसरे को नॉन सिंक्रोनाइज बना दिया तो फिर क्या होगा, हैं इंटरफेयर कर जाएगा भाई, इंटरफेयर कर जाएगा, इंटरफेरेंस आ जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि ये नॉन सिंक्रोनाइज की तरह से चलने लगेगा ना। समझे कि नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, अरे भाई एक क्लास के दो मेथड हैं, एक सिंक्रोनाइज और एक नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, तो सिंक्रोनाइज वाला सिंक्रोनाइज तरीके से चलने लगेगा, नॉन सिंक्रोनाइज वाला नॉन सिंक्रोनाइज में आ जाएगा, वो इंटरफेयर कर जाएगा, ये सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, इस तरह के सिनेरियोज बना हुआ। फिर मैंने आपको एक और सिनेरियो कहा था बनाने के लिए कि एक क्लास का जो मेथड है सिंक्रोनाइज बना दो और साथ ही साथ स्टैटिक बना दो, ठीक है, जैसे ये मैंने सिंक्रोनाइज और स्टैटिक बना दिया, ठीक, और पहली वाली थ्रेड, अब स्टैटिक मेथड तो ऑब्जेक्ट से भी चल जाता है और क्लास से भी चल जाता है, स्टैटिक मेथड तो ऑब्जेक्ट से भी चल जाता है और क्लास से भी चल जाता है, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, अब मान लो ये दो थ्रेड बने हुए हैं ना, तो एक जगह मैंने ऑब्जेक्ट से चला दिया है जिसमें 2 का टेबल है और एक जगह मैं क्लास के नेम से चला दे रहा हूं, क्या नाम है क्लास का,
टेबल वन, टेबल वन में मैंने डाल दिया थ्री का टेबल, टेबल वन डॉट शो क्या था प्रिंटेबल, अब प्रिंटेबल में थ्री डाल दिया। तो अब ऐसे क्वेश्चन इंटरवल पूछता है आपसे, यार एक क्लास का एक मेथड है सिंक्रोनाइज्ड है और स्टैटिक है, ठीक। अभी मैं इस वाले मेथड की बात कर ही नहीं रहा हूँ, ये चल भी नहीं रहा है, मैंने कहीं कॉल किया भी नहीं है, सो वाले को कमेंट कर दिया है ना। तो अब ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड स्टैटिक है तो ये क्लास से भी चलेगा ऑब्जेक्ट से भी चलेगा। तो मैंने एक थ्रेड में क्लास से चला दिया, एक थ्रेड में ऑब्जेक्ट से चला दिया, जब इसको रन करोगे तो प्रेफरेंस किसे मिल रहा है? कौन सा चला है? क्लास वाला तो नहीं चला है। देखो ये क्या नाम है, मैं इसको फिर से चला के दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट में जो है यहाँ पे देखो, ये जो क्लास से चला रहा है वो थ्री का टेबल दे रहा है प्रिंट करने के लिए, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट से चलाया है वो यहाँ पे टू का टेबल डाला है इसने प्रिंट करने के लिए, ठीक है। मेथड की कॉलिंग मैटर करता है, अभी हमने यहाँ ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया है तो उससे मैटर नहीं करता है, मैंने कॉलिंग मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई यहाँ पे किसको प्रेफरेंस मिलेगा, है ना। तो कई बारी मैंने देखा है कि क्लास भी चलता है, कई बारी मैंने देखा ऑब्जेक्ट्स भी चलता है, बट अभी आप चला रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट वाला पहले चल रहा है जो ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है, और क्लास वाला बाद में चल रहा है। मतलब क्लास वाला पहले चल रहा है ना सर? कहाँ क्लास वाला पहले चल रहा है? और पहला मेथड जो है सर स्टैटिक, अपने बनाया सीक्वेंस स्टैटिक, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे वाला जो है एडिशन कर रहा है ना। अरे यार ये मेथड चल ही नहीं रहा है अभी, ये मेथड कमेंट है। एक ही मेथड चल रहा है, एक में टू का टेबल प्रिंट हो रहा है, एक में अच्छा, एक ही मेथड है, एक थ्रेड ने क्लास के नेम से चलाया है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट से चलाया है यहाँ पे, सॉरी एक थ्रेड ने ऑब्जेक्ट के नेम से चलाया है और एक थ्रेड ने क्लास के नेम से चलाया है, समझे? हाँ सर, हाँ बराबर, ठीक है। तो ये मैंने आपसे बोला था, ऐसे दिमाग लगाया, सोचा आप लोगों ने कि चलो यार ऐसे भी बनाते हैं, या खत्म हो गया तो बस पल्ला झाड़ लिया कि यार अब खत्म हो गया सिंक्रोनाइजेशन। सर बनाया था। आपका कौन सा चला था, क्लास वाला चला था? नहीं सर, वो कोई भी चल रहा था, मैंने दो दो बार पढ़ किया था। हाँ मतलब ये मैंने भी देखा है कि ऑब्जेक्ट वाला भी चल जाता है, कई बार क्लास वाला भी चल जाता है, तो मैटर नहीं है। मतलब कहने का ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, दोनों के पास अपने अपने लॉक हैं। ये ऑब्जेक्ट के लॉक को यूज कर रहा है, जैसे मान लो पहली वाली थ्रेड है उसने ऑब्जेक्ट के लॉक को यूज कर लिया, ठीक है सर। हाँ उसमें इंटरप्ट भी हो जाता है बीच में। इंटरप्ट नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? देखो ना, ये ऑब्जेक्ट के लॉक को यूज कर रहा है। अब जब ये ऑब्जेक्ट का लॉक यूज करेगा तो जब तक ये अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं कर लेगा तो लॉक रिलीज करेगा नहीं, ठीक है। रिसोर्स को तो इसने लॉक कर दिया है, तो ये काम जब तक कंप्लीट नहीं कर लेगा दूसरी वाली थ्रेड बीच में आ नहीं सकती है, इंटरफेयर कर नहीं सकती है, ये चीज है, ठीक है। तो ऐसे और भी सिचुएशंस आप बनाइएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है सर। एक बात सर, हाँ आपने सिंक्रोनाइज बनाए मेथड को कोई बात नहीं, एक बिना सिंक्रोनाइज बनाए वो भी कोई बात नहीं, अगर आप कॉल करते तो सर इंटरफेयर करता है, उसका सलूशन क्या है सर? तो सलूशन यही है कि सिंक्रोनाइज मेथड बनाइए और प्रॉपर उसके कंसेप्ट को फॉलो करिए, मेथड को सिंक्रोनाइज बनाइए, और अगर एक से ज्यादा मेथड हैं सिंक्रोनाइज्ड बनाए हो आप और इंटरफेरेंस हो रहा है तो कोड ऐसा लिखिए कि इंटरफेरेंस ना हो, और वो कोड ऐसे लिखा जा सकता है कि एक क्लास का दो मेथड सिंक्रोनाइज्ड अगर है, जैसे मान लो ये सिंक्रोनाइज्ड है और पहली थ्रेड मान लो पहली वाली थ्रेड जो, और दोनों में एक ही ऑब्जेक्ट शेयर करो, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट शेयर करोगे तो दोनों एकदम सिक्वेंसली चलेंगे क्योंकि एक ही लॉक को यूज कर रहे हैं,
तो इसका सोल्यूशन है, ये देखो। तो सर बात ये हो गया सर, एक हाँ क्लास में ये दो मेथड ये होगा, दोनों सिंक्रोनाइज ही बनाना पड़ेगा, एक अनसिंक्रोनाइज नहीं बना सकते हैं। एक क्लास में एक मेथड अनसिंक्रोनाइज नहीं। देखो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट, आप सिंक्रोनाइज चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं एक को सिंक्रोनाइज मैनर में चलाना चाहता हूँ, एक एसिंक्रोनस मैनर में चलाना चाहता हूँ, तो जो एसिंक्रोनस मैनर में जिसको चलाना चाहते हो वो एसिंक्रोनस मैनर में चलाओ उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सिंक्रोनाइज को इंटरफेयर करता ही रहेगा, तो क्या फायदा, दोनों आएगा ना। ये कौन कह रहा है कि वो सिंक्रोनाइज को इंटरफेयर कर देगा? यार वो सिंक्रोनाइज को इंटरफेयर थोड़ी ना कर देगा वो। हाँ बीच में कभी कभी उसका आउटपुट हमें दिखेगा, लेकिन उसके थ्रेड के अंदर, उसके उसके लॉजिक जो उसने लिखा है, उसकी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू थोड़ी ना जाके चेंज कर देगा। ये समझ रहा है कि हमको केवल टेबल ही प्रिंट कराना है, मेन नहीं बात नहीं ये नहीं है। नहीं सिंक्रोनाइज में केवल टेबल ही नहीं लिखना है, लॉजिक ना कोई भी लॉजिक हो सकता है। कि जैसे मान लो एक एक मैं रिजर्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक मैं रिजर्वेशन का लॉजिक लिख रहा हूँ, तो रिजर्वेशन का लॉजिक जब मैं लिख रहा हूँ तो बुकिंग का लॉजिक जो है मैंने प्रिंट सिंक्रोनाइज में ब्लॉक में डाल दिया, मेथड में डाल दिया, और जो केवल जो मतलब जो डिटेल्स दिखाती हैं उसको मैंने केवल नॉन सिंक्रोनाइज मेथड में डाल दिया। तो ये वहां जाके शेयर थोड़ी ना कर दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यही मेथड वहां पे जाके एक्सेस हो जाए। वो हमें दिखता है कि ऐसे, मैंने वही बताया ना कि दो थ्रेड में जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब एक मल्टीपल थ्रेड एक कॉमन रिसोर्स पे सेम टाइम पे डेटा राइट करते हैं, रीड में प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा दूसरा एक और चीज है, ठीक है तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो बना दो सिंक्रोनाइज, और भी इसको अच्छा बनाना है, बेटर बनाना है, तो सिंक्रोनाइजेशन का दूसरा पहलू पढ़ेंगे हम, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, उसके थ्रू सिंक्रोनाइजेशन अचीव करेंगे। ठीक है तो चलो उसके बारे में थोड़ा आज पढ़ लेते हैं, पढ़ लें। ओके सर। हाँ सर इस मतलब पे एक काम बेहतर करना, कौन सा सुनो होगा सर, सिंक्रोनाइज बना देंगे दोनों में से बेहतर तो रहेगा अगर एज ए सिंक्रोनाइज मेथड फोर्स बना देंगे दोनों को तो क्या बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। सिंक्रोनाइजेशन हमेशा हमेशा सही तरीका नहीं होता, सिंक्रोनाइजेशन हमेशा सही तरीका उस केस में नहीं होता है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन से स्पीड स्लो हो जाती है। सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट अ सोल्यूशन इन एवरी केस, और सिंक्रोनाइजेशन तभी बनाना चाहिए जब हम जब हमारे मल्टीपल थ्रेड एक ही रिसोर्स पे डेटा राइट करा रहे होते हो, रीड के केस में प्रॉब्लम नहीं आती है, ये भी बात आपके दिमाग में रहे। राइट में प्रॉब्लम आती है कि एक ने राइट किया और उसने पूरा राइट नहीं किया, दूसरा दूसरा बीच में आके उसने इंटरफेयर मार दिया, उसकी वैल्यू अपडेट मार दी, कुछ और कर दिया, ऐसा तो उस केस में प्रॉब्लम आती है, इनकंसिस्टेंट डेटा आ जाता है। ठीक है और बनाना है तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, मतलब एक क्लास में दो मेथड होगा, एक सिंक्रोनाइज एक नॉन सिंक्रोनाइज, एक ही ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, दोनों इंटरफेयर नहीं करेगा आउटपुट, एक बार इसका आउटपुट एक बार उसका आउटपुट नहीं करेगा ना, तो आपने एक को सिंक्रोनाइज बना देंगे और एक को नॉन सिंक्रोनाइज बना देंगे, तो जो नॉन हाँ सिंक्रोनाइज होगा वो दो नॉन मेथड सिंक्रो होगा। सुनो नॉन सिंक्रोनाइज जो होगा वो नॉन सिंक्रोनाइज मैनर में चलेगा, और जो सिंक्रोनाइज वाला होगा अपने सिंक्रोनाइज मैनर में चलेगा। समझे मेरी बात? तुम्हें लगेगा कि ये एक का आउटपुट आ रहा है फिर ये दूसरे का आ रहा है, वो दो थ्रेड जो हैं मेरे भाई, दोनों थ्रेड्स तुम समझ लो दो ब्राउजर हैं, दो थ्रेड दो ब्राउजर हैं। तो तुम हो नेपाल में, मैं हूं इंडिया में, तुमने रिक्वेस्ट भेजी नेपाल से, मैंने रिक्वेस्ट भेजी इंडिया से, और सर्वर है हमारा, एप्लीकेशन हमारा यूएस में, तो जो तुम आउटपुट दोगे, जो इनपुट दोगे, तुम्हारा वाला सिंक्रोनाइज्ड है, मेरा वाला अनसिंक्रोनाइज्ड है, तो मैं जो इनपुट दूंगा मुझे एसिंक्रोनस मैनर में आएगा, अनसिंक्रोनाइज मैनर में आएगा, और तुम्हारे के केस में सिक्वेंशियल आएगा। वो तो सर्वर में एक ही जगह लिख दिया गया है, तब एक पहले ये आ रहा है फिर ये आ रहा है फिर ये आ रहा है, तो मैं ऐसा दिख रहा है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर यही बात तो पूछ रहे थे। हाँ वो तो सर्वर में तुम्हें लग रहा है कि यार ये आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है फिर ये आ रहा है फिर ये आ रहा है, नहीं वो तो समझाने के लिए होता है कि चलो अच्छा ठीक है समझ गए। जो सिंक्रोनाइज होगा वो सिंक्रोनाइज मैनर में चलेगा, जो ये सिंक्रोनस होगा वो ये सिंक्रोनस मैनर में चलेगा। सही है?
सर उसको उसका आउटपुट थोड़ी ना दिखेगा कि उसका आउटपुट देखेगा, तुम्हें तो तुम्हारा आउटपुट देखेगा, तुम्हें तो अपना रिजल्ट मिल ही रहा है ना। तो हमको लग रहा है सर आपका भी आउटपुट मेरे में ब्राउजर में देखेगा, मेरा भी देखेगा और आपका भी देखेगा। यार इसको पता है ये सब सारी चीजें जो है ना दो दो सिस्टम पे ट्राई करने की जरूरत है, तीन तीन सिस्टम पे सर्वर साइड, मतलब इसमें तुम प्रोसेसर में घुस जाओ, थ्रेड बड़ इतनी बड़ी चीज है कि तुम सोच नहीं सकते हो अभी तुम। और पहले ये बताओ सिंक्रोनाइजेशन का कोई प्रोग्राम बनाया आज तक, अभी एक भी बनाया? सर मैंने आज ही बनाया सर, ठीक है तो थोड़ा और मतलब ठीक ठीक है और मतलब प्रैक्टिस कर लो और प्रोग्राम बना लो, इसका बहुत जरूरी है ये सब, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, फिर इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन होगा कल पूछना तुम। देखो जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस वैलिड होता है तब जब हम थ्रेड को म्यूचुअली मैनर में चलाना चाहते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन से चलाना चाहते हैं। और ये तीनों तरीके जो होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाले तरीके, ये सारे तरीके थ्रेड को म्यूचुअली मैनर में चलाते हैं, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, सारा टेक्निक समझ में आता है ना। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि यार यहाँ थ्रेड पे एग्जैक्ट कंट्रोलिंग नहीं होती है। अगर हमारे पास दो मेथड्स हो, जैसे एक क्लास हो और उसमें दो मेथड हो और दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है, एक क्लास के दो मेथड और दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो, है ना, तो जाहिर सी बात है जैसे अभी ये सिचुएशन मैंने लिया था यही वाला, एक क्लास के दो मेथड और दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो, है ना, और एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों थ्रेड से कॉल कर रहे हो, तो इसमें से कौन सी थ्रेड पहले चलेगी ये पता है क्या हमें? नहीं पता है। लेकिन जो भी चलेगी कंप्लीट चलेगी और दोनों सिंक्रोनाइज मैनर में चलेगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि नहीं यार हमारे यही थ्रेड पहले चले, फिर ये चले, फिर ये चले, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा या इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन करने के लिए जावा में वही वेट नोटिफाई और ये सब मेथड होते हैं। अब क्वेश्चन है कि इसकी सिचुएशन की जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ती है कि जैसे जैसे मान लो कि एक क्लास है, शायद मेरे पास प्रोग्राम बना भी होगा, दीपक भाई वीडियो को ब्रेक करो। एक मिनट। हाँ क्या कह रहे हो? मतलब दो पार में डिवाइड करो ना, ज्यादा ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्या दिक्कत है? वो सर डाउनलोडिंग में दिक्कत करता है सर देखने में। हाँ उसको तुम लोग ब्रेक कर लो, तुम अपने जगह पे कर लो, तुम्हारे क्या मैं बता रहा था, है नहीं क्या प्रोग्राम मेरे पे? शट डाउन हुक, सिंक्रोनाइज ब्लॉक, टेस्ट सिंक्रोनाइजेशन। नहीं भी इसमें नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देता हूँ अलग से, ठीक है। चलो इसके लिए मैं बना ही देता हूँ, क्लोज करते हैं। तो कहीं पे प्रोग्राम तो होने चाहिए, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने बनाए थे, क्योंकि इसको बनाएंगे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाते नहीं है, ठीक है चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है, फिर इसको बनाएंगे हम। कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए एक क्लास है हमारे पास जिसका नाम है न, अकाउंट, अकाउंट नाम की क्लास है हमारे पास। अब अकाउंट क्लास के अंदर हमारे पास दो मेथड हैं, एक है सबमिट, ठीक है, और एक है हमारे पास मेथड जिसका नाम है विड्रॉ। दो मेथड हमारे पास है। अब मुझे आप एक बात बताओ,
सबमिट विदड्रॉ दो मेथड हमारे पास है। चलो विदड्रॉ मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसका रिटर्न टाइप क्या है हमारा, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, हाँ सर आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर। ठीक है तो दीपक को मैंने बोला। हाँ ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है सब अकाउंट, और उसके अंदर एक है मेथड सबमिट और एक है विड्रॉ। अच्छा, और इन दोनों को सिंक्रोनाइज बना लेता हूँ। ठीक है, इसको सिंक्रोनाइज बना दिया। अच्छा, सबमिट का काम है अकाउंट में पैसा जमा करना, तो मैं चाहूंगा कि कोई भी बंदा अकाउंट में पैसा जमा करे, और विड्रॉ का काम है विड्रॉ करना। अच्छा, दो थ्रेड्स हैं, T1 थ्रेड है, T2 थ्रेड है। T1 का काम है सबमिट को चलाना, और T2 का काम है अकाउंट से पैसा निकालना। अच्छा बताओ कि कौन सी थ्रेड कभी चलेगी, ये हमें गारंटी है कि यही थ्रेड पहले चलेगी? बोलो। नो सर, कोई गारंटी नहीं है ना? नहीं सर। तो जब कोई गारंटी नहीं है कि यही थ्रेड पहले चलेगी, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि विड्रॉ मेथड पहले चला जाए। और मान लो कि हमारे पास यहां पे एक वेरिएबल है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट वेरिएबल है। अब अमाउंट वेरिएबल में मान लो कि मेरे पास कोई अमाउंट है ही नहीं, और ये अमाउंट तभी आएगा जब यहां पे ये अमाउंट आएगा, समझ रहे हो? ये अमाउंट आएगा और दिस डॉट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट पहुंच जाएगा, और यही अमाउंट यहां से रिटर्न हो जाएगा जो अमाउंट मतलब देगा यूजर। सर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे क्या? मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, बताइए। इतनी वो दिख नहीं रहा था। हाँ वो चल रहा है, यहाँ पे नीचे चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, हमारे पास दो मेथड है, एक विड्रॉ करने का, एक पैसा जमा करने का। ठीक है, अब दो थ्रेड हैं, वो अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं या अकाउंट ओपन करवाने के बाद पैसा जमा कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि एक क्लास में दो मेथड है, एक है प्रोड्यूस करने का, एक है कंज्यूम करने का। कंज्यूम का मतलब हो गया जो कुछ डेटा लेगा यानी कि सबमिट, और प्रोड्यूस मतलब विड्रॉ जो कुछ डेटा हमें देगा प्रोड्यूस करेगा। पहली थ्रेड ने सबमिट चलाई, दूसरी ने विड्रॉ चलाया, तो कौन सा पहले चलेगा? नो गारंटी। तो ऐसा पॉसिबल है कि विड्रॉ पहले चला जाए और अमाउंट में जीरो आ जाए, कुछ पैसा ही न रहे। आप सोचोगे यार हमने पैसा तो किसी से बोला था जमा करने के लिए, जमा तो किया था लेकिन पैसा तो मुझे जीरो मिल गया, तो क्या करोगे सिचुएशन से बचने के लिए? तो ये होता है सिंक्रोनाइजेशन, जो अभी तक आप पढ़े हो वो फेल हो जाता है यहां पे, वो फेल हो जाता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें अपने कोड में लॉजिक लिखना पड़ेगा। हमें कोड में ये लॉजिक लिखना पड़ेगा कि अगर गलती से भी विड्रॉ मेथड पहले चल गया, तो यहां पे हम कोई फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे ऊपर ऐसे, जैसे मान लो कि हमने इंट फ्लैग ले लिया और यहां पे कंडीशन लगा दिया कि इफ फ्लैग इक्वल इक्वल टू जीरो, तो शुरू में फ्लैग की वैल्यू तो जीरो ही होगी, पहली बार चलेगा तो फ्लैग की वैल्यू तो जीरो होगी। तो अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी तो यहीं पे जो है हम वेट मेथड चला देंगे, तो समझो क्या कहानी होगी। ठीक है, कहानी होगी अगर गलती से भी ये मेथड पहले चला फ्लैग में तो जीरो है ही, तो शुरू में पहले चलेगा तो इसने चेक कर लिया जीरो है, और जीरो होते ही इस थ्रेड को वेट करा देगा यहां पे। तो मौका किसे मिल जाएगा? दूसरे थ्रेड को, यानी कि सबमिट वाले को। सबमिट वाले को पहले मौका मिलेगा, तो इसको अकाउंट में पैसा सबमिट करने के बाद यहां पे जो फ्लैग की वैल्यू है वो करा दिया 1, समझे? और
ये वाली थ्रेड जो वेट हो गई थी इसको यहां से कर दिया हमने नोटिफाई, समझे। नोटिफाई करने से क्या फायदा होगा, इस थ्रेड को फिर से मौका मिल जाएगा। तो होता क्या है समझना, वेट नोटिफाई से। वेट मेथड क्या करता है, जब भी किसी थ्रेड पे आप चलाते हो, पहले तो ये जान लो कि ये वेट मेथड थर्ड क्लास का नहीं है, वेट नोटिफाई मेथड जो है ऑब्जर्व क्लास के मेथड है ना, ये इसको चलाने के लिए किसी ऑब्जर्व की जरूरत है ही नहीं। अच्छा समझ में आई बात, इसको चलाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। बस हाँ ये बात रहे कि वेट नोटिफाई हमेशा सिंक्रोनाइज्ड सेक्शन में चलाना चाहिए, सिंक्रोनाइज ब्लॉक में चलाना चाहिए ताकि अच्छे से काम करे। तो हमने चेक करा कि फ्लैग की वैल्यू इनिशियली जीरो है, आप लॉजिक जो भी लिखना है लिख लो, मैंने एक फ्लैग लेके चेक कर दिया, आप अपने हिसाब से करो फ्लैग वेरिएबल बना के। तो वेट मेथड चला दिया। वेट मेथड क्या करता है, जो करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड होती है जो चल रही है इस समय, करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड मतलब जिसने विड्रॉ को कॉल किया था वो वाली थ्रेड, उसको क्या करता है सस्पेंडेड स्टेट में लेके चला जाता है या ब्लॉक स्टेट में लेके चला गया, यानी कि जो करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है उसको कर दिया ब्लॉक, समझ आई बात। और मौका किसे दे दिया, अब दो ही है तो दूसरे को मौका मिलेगा, आपने कहा तीन होते तो चार होते तो, फिर ऐसे आपको लॉजिक लेना पड़ता हर जगह जाके, फ्लैग इक्वल टू जीरो तो उसको भी वेट करा दो, फ्लैग इक्वल टू जीरो तो उसको भी वेट कराओ, या वन तो उसको ऐसे कराओ, लॉजिक लेना पड़ेगा आपको। तो यहां दो ही है, मैंने इसको वेट करा दिया, तो ये थ्रेड हो गई सस्पेंडेड स्टेट में चली गई। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जब वेट मेथड आप चलाते हो और थ्रेड सस्पेंडेड में जाती है तो लॉक को रिलीज करके जाती है, लॉक को छोड़ के जाती है, समझ रहे हो। अब मान लो कि दोनों थ्रेड ने एक ही ऑब्जेक्ट को यूज करा था तो लॉक तो एक ही था, एक ही लॉक था, एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही लॉक था। तो जब एक ही लॉक था तो उस लॉक को अब यूज कर लेगा वो वाली थ्रेड जो सबमिट मेथड को चलाएगी, और उसने देख लिया कि उसने सब कुछ करने के बाद फ्लैग की वैल्यू कर दी वन, और यहां से कॉल कर दिया नोटिफाई को, नोटिफाई से इंडिकेशन मिल जाता है उस थ्रेड को जो वेट हुई थी वेट मेथड के थ्रू, वो उसको सस्पेंडेड स्टेट से फिर से रनिंग में बुला दिया जाता है, और वो चेक कर लेता है कि फ्लैग की वैल्यू क्या जीरो है, नहीं अब तो वन हो चुका है तो वेट नहीं करेगा, और जो भी यहां पे डेटा होगा उसको रिटर्न करा देगा। दिस इज इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, एक थ्रेड दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, एक ने पहला चल गया उसने वेट कर दिया, दूसरा चला दूसरे को मौका मिला, दूसरे ने काम करके नोटिफाई करके फिर से पहले को बुला लिया, है ना। अगर तीसरा होता तीसरा ऐसे वेट नोटिफाई कर लेता, चौथा होता तो वो दूसरे को कर लेते, इस तरह से एक थ्रेड दूसरे को क्या कर लेती है, बुला लेती है, वेट नोटिफाई कर लेती है, समझे। तो वेट मेथड क्या करता है, करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को जो रनिंग थ्रेड है उसको रनिंग से सस्पेंडेड स्टेट में लेके जाता है और लॉक को रिलीज कर देता है, उस लॉक को यूज कोई दूसरी थ्रेड कर लेती है, और नोटिफाई मेथड जो सस्पेंडेड स्टेट में थ्रेड है उसको फिर से रनिंग में बुला देती है। आपने वेट कॉल कर दिया, नोटिफाई कॉल ही नहीं किया, वो थ्रेड सस्पेंडेड में रह जाएगी जिंदगी भर, ये दिक्कत है। और अगर बहुत सारे थ्रेड एक साथ सस्पेंडेड स्टेट में पहुंच गए तो उनको एक साथ बुलाने के लिए नोटिफाई ऑल चला दो, एक साथ आ जाएंगे ऐसे। दिस इज इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। क्या ये प्रोग्राम बना लोगे आप, मुझे बताओ, बना लोगे, ऐसा कर सकते हो? हाँ सर, बस बना लेना, हो गया खत्म। सर एक बात सर, वेट नोटिफाई नोटिफाई और सिर्फ सिंक्रोनाइज में ही लग सकता है कि बिना सिंक्रोनाइज मेथड में भी लगता है? लगा दो, लेकिन इसका जो एक्चुअल फायदा है, एक्चुअल यूज है, वो सिंक्रोनाइज्ड में ही है। वैसे कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन कहीं पे भी लगाने का कोई फायदा नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड में ही इसका फायदा है, ठीक है। सर, क्योंकि क्योंकि लॉकिंग का कंसेप्ट, सुनो, लॉकिंग का कंसेप्ट कहाँ आता है, सिंक्रोनाइजेशन में ही। तो और तो इसीलिए यहीं पे ही काम करता है। और बोलो सर, तीन मेथड रहेगा सर, तो सर यहाँ पर लॉजिक कैसे लिखेंगे? जीरो वन तो है पता है, जीरो वन तो दो के लिए आसान है, तीन के लिए दिक्कत हो जाएगा। आप तीन के लिए बता दिए, चार के लिए खुद ही करेंगे, पांच के लिए तो क्यों नहीं करें। तो एक काम कर लो ना, तीसरे तीसरा वाला जो मेथड है उस मेथड में भी चेक कर लो, फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू वन है, तुम नंबरिंग दे दो ना, नंबरिंग करके चला लो। ऐसे बोल रहे सर, मतलब इसका बाद ये चलेगा और उसका बाद वो चलेगा, बस और क्या, ऐसे तो चलाना है। अब अगर ये फ्लैग की वैल्यू वन हो गई,
जीरो करके वन कर दिया, समझ रहे हो, और इसको नोटिफाई नहीं किया, समझ रहे हो। या तुम्हें क्या करना है तुम बताओ, अगर मान लो एक और मेथड बनाना है उसको तुम्हें चलाना है या नहीं चलाना है बताओ, मैं कंडीशन लगा दूंगा। अगर मान लो कि मेरे पास एक मेथड है सबमिट, एक है विदड्रॉ और एक है अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबल चेक करनी है अकाउंट में पैसा अवेलेबल है या नहीं, तो तुम पहले किसको चलाना चाहते हो। मान लो गलती से भी विड्रॉ चल गया तो फ्लैग की वैल्यू जीरो चेक कर ली, वेट कर दिया, ठीक है, तो वेट कर ही जाएगा। अब इन दोनों में से कोई भी चल सकता है पहले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं भैया क्या नाम है क्या चले पहले, अवेलेबल ही चले पहले फिर सबमिट चले, या सबमिट ही पहले चले देन अवेलेबल चले, ठीक है। तो बताओ बताओ तुम किसको चलाना है, इन दोनों में से किसको चलाना है पहले, अवेलेबल पहले चले या दूसरा बेर में ये चले अवेलेबल पहले चले, ठीक है, अवेलेबल पहले चले, ठीक है। अब अवेलेबल अगर पहले चलेगा तो यहाँ पे हमने कंडीशन, अब इन दोनों में से तो कोई भी चल सकता है, तो यहाँ पे कंडीशन हम क्या कर देंगे, अवेलेबल चली जाएगा और यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू हमने वन कर दिया, ठीक है, और जब वन करेंगे तो यहाँ से हमने नोटिफाई कर लिया इसको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ कंडीशन क्या लगा दिया, यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया देखना, यहाँ पे कंडीशन ये लगाया। अच्छा अब देखना ध्यान से, जब हम नोटिफाई करेंगे तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, समझ रहे हो, नहीं अब सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये चला पहले, ठीक है, तो जब सबसे पहले हमारा विड्रॉ मेथड चलेगा, फ्लैग की वैल्यू जीरो चेक कर ली हमने और इसको वेट करा दिया, तो ये तो थर्ड वेट हो गया, और अब इन दोनों में से कोई भी चलेगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चला पहले। अब अगर ये पहले चला, ये भी चल सकता है पहले, मैं चलने के लिए तो कोई भी चल सकता है, ठीक है, तो एक एज्यूम्पशन लेते हैं अभी, मान लो अवेलेबल चला और मैं चाहता हूँ कि अवेलेबल पूरा चल जाए, तो यहाँ पे हम फ्लैग की वैल्यू क्या चेक करेंगे, फ्लैग की वैल्यू यहाँ चेक ही नहीं करेंगे, राइट, यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो इसको चलाना ही चलाना है। चलाने के बाद अब हम इसको कर देंगे नोटिफाई, ठीक, नोटिफाई, क्योंकि इसे तुम चाहते तो चले ही चले, इसको नोटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे इस वाले जगह पे जब ये चल जाएगा, ये मेथड चल जाएगा, तो अब बचा हमारे पास दो ही मेथड, एक बचा सबमिट और एक बचा विड्रॉ, है ना, ये दो बचा ना। अब इन दोनों मेथड कोई चल सकते हैं जब नोटिफाई करोगे, अच्छा नोटिफाई करेंगे तभी तो आएगा वो थ्रेड ना, नोटिफाई करेंगे ही नहीं, लो भाई नोटिफाई करेंगे ही नहीं, है ना, इसको नोटिफाई नहीं करेंगे भाई, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर गलती से विड्रॉ मेथड पहले चल गया, गलती से विड्रॉ मेथड पहले चल गया तभी तो ये कंडीशन है वेट का, अभी वेट तो हो चुका है और जब भी चलेगा तो वेट कर ही जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी चल सकता है, और मान लो ये चला, नहीं मान लो कि ये चला विड्रॉ चला, चलो एक दूसरा कंडीशन ये भी ले लेते हैं, तो अगर विड्रॉ चल गया तो इस केस में यहां पे कंडीशन हम लगा देंगे, क्या कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन ये लगाएंगे कि इफ, पहला कंडीशन ये करेंगे कि फ्लैग, जो फ्लैग है इक्वल इक्वल टू क्या जीरो है, ठीक है, एंड एंड कंडीशन लगा देंगे, एक और फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे फ्लैग टू, और बताओ फ्लैग वन ले लेंगे, या इसको इंटीजर टाइप का नहीं लेके इसको बुलियन ले लेंगे, ठीक है, बुलियन बी या बुलियन बी ले लेंगे, तो और इसकी इनिशियल वैल्यू दे दिया हमने फॉल्स, जो कि होता ही है, एफ ए एल एस ई, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन चेक कर लिया क्या बी एंड बी इक्वल इक्वल टू ट्रू, बताओ, यानी कि कंडीशन दो लगा दिया यहाँ पे हमने कि क्या फ्लैग इक्वल इक्वल टू जीरो है, तो फ्लैग इक्वल इक्वल टू तो जीरो है भाई, अच्छा क्या बुलियन की वैल्यू इक्वल इक्वल टू ट्रू है, अगर है बुलियन की वैल्यू इक्वल इक्वल टू फॉल्स है, अगर है तो अगर फ्लैग की वैल्यू इक्वल इक्वल टू जीरो हो, है ना, और इस दोनों की वैल्यू अगर फॉल्स हो तो उस केस में ये मेथड, अच्छा ये मेथड चलाना नहीं है कि चलाना है, ये भी बात है, नहीं चलाना है ना इसको, अरे बात तो सुनो, बताओगे, हाँ सर,
चलाना है। इस मेथड को चलाना है। तो पहले वाले को मैंने वेट कराया, ध्यान से देखना, अगर ये चल जाएगा तो ये वेट हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों मेथड से अवेलेबल वाले को तुम बता रहे थे, अवेलेबल वाले को चलाना है, हाँ सर, अवेलेबल वाले को चलाना है, यानी कि इसको वेट करा देना है। तो इसको करा दो यहीं पे वेट। ठीक, अच्छा वेट करा दिया। और वेट कराने के बाद तो जाहिर सी बात है, दो हमने मान लिया कि दो थ्रेड चलेंगे। अगर ये वाली अगर चलेगी तो इसको भी वेट करा दिया, ये वाली अगर चलेगी तो इसको भी वेट करा दिया, तो मौका मिलेगा तीसरे को। और तीसरे वाला अपना सारा काम करने के बाद ये क्या करेगा, फ्लैग फ्लैग की वैल्यू जीरो कर देगा। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू जीरो, सॉरी जीरो की जगह पे वन कर दिया, और या फ्लैग की वैल्यू जीरो ही रहने दिया। क्या था ऊपर, बी बी की वैल्यू इसने ट्रू कर दिया, जो बी वैल्यू फॉल्स थी ना उसको ट्रू कर दिया। और यहाँ पे दो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगाया कि अब बी इक्वल इक्वल टू फॉल्स है, तो शुरू में बी इक्वल इक्वल टू फॉल्स है, तो बी इक्वल इक्वल टू फॉल्स है तो ये वेट हो जाएगा। और वेट होते ही मौका, यहाँ पे नोटिफाई तो लास्ट में चलाना पड़ेगा ना, यहाँ नोटिफाई चला दिया, ये कंडीशन लो हो गया भाई, ये हो गया कंडीशन। अब किसी भी तरह से इसे चलाओ, जैसे मान लो कि पहले वाला पहले ये चला या पहले ये चला, कुछ भी हो सकता है। मान लो पहले सबमिट चला, सबमिट ने चेक करा क्या बुलियन की वैल्यू फॉल्स है, उसने देखा हाँ फॉल्स है, तो भैया वेट करा दिया, समझे। अच्छा, अगर विड्रॉ चलेगा तो उसने चेक करेगा कि फ्लैग की वैल्यू जीरो है, तो हाँ इसको भी वेट करा दिया। तो फिर मौका किसे मिलेगा, अवेलेबल को मिलेगा। अवेलेबल ने क्या कर दिया, अवेलेबल ने इसकी वैल्यू को क्या कर दी, यहाँ पे जो भी अमाउंट है अवेलेबिलिटी का जो लॉजिक है वो इसने लिख के लिखने के बाद बी की वैल्यू कर दी ट्रू। बी की वैल्यू ट्रू करी, तो बी की वैल्यू ट्रू करी तो अब ये थ्रेड जाएगा और चेक करेगा इसमें कौन सा कंडीशन सही हो रहा है कौन सा नहीं सही हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू जो है फॉल्स हो गया, मतलब इसकी वैल्यू फॉल्स तो रही नहीं, ट्रू हो चुकी है। तो ट्रू हो चुकी है तो एल्स कंडीशन में जाके इसको नोटिफाई कर देगा, तो नोटिफाई कर देगा तो ये दूसरी वाली थ्रेड आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये जब खुद बनाओगे तो तुम खुद लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हाँ ये इसको वेट कराना है, इसको नोटिफाई कराना है, इसको नोटिफाई नहीं कराना है। ऐसे ही कोई फ्लैग लेंगे, कोई काउंटर ले लेंगे, कुछ एंड कंडीशन लगा लेंगे, कुछ और कंडीशन लगा देंगे, चले ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं चलेगा। हाँ सर, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो है प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम बना लोगे आप, है ना। अगर नहीं बना पाओगे तो मैं कल बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे।